नमस्कार, मैं जिरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको एनोरेक्सिया के बारे में बताऊंगा। एनोरेक्सिया एक रोग है जो पेट से संबंधित होता है, और ये क्यों होता है और इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम होती है और इसकी जांच क्या-क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट कब और कैसे किया जाता है और इसके कारण अगर प्रॉब्लम होती है तो किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एनोरेक्सिया का मतलब होता है अरुचि, मतलब जिस चीज़ में रुचि ना हो, अरुचि। और ये कम खाने का विकार, एनोरेक्सिया में वजन बढ़ने के अनुचित भय के कारण शरीर खराब हो जाता है, और खाने से संबंधित एक विकार जिसमें व्यक्ति अपने वजन और खाने को लेकर चिंताग्रस्त हो जाता है, इसी को एनोरेक्सिया कहते हैं, अरुचि कहते हैं। और एनोरेक्सिया के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वो बीपी लो होता रहता है, ऐसे व्यक्ति का बीपी लो होता है, और डिप्रेशन में भी रहता है, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी रहता है। बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, चक्कर आने लगता है, बेहोश हो सकता है, वजन तेजी से वेट घटने लगता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण भी होते हैं फीमेल में। और इसके जो कॉजेज होते हैं, कारण जो होते हैं, ये बायोलॉजिकल कारण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, पर्यावरण कारण भी हो सकता है, और ये हेरिडिटी, अनुवांशिक भी इसके लक्षण होते हैं, इसके कॉजेज में आ सकते हैं, जो कि अगर आपके घर में, आपके माँ बाप को या घर में किसी की हिस्ट्री एनोरेक्सिया नर्गोसा से मिलती जुलती होगी तो आपको भी होने की संभावना है, पुत्र बच्चों में होने की संभावना है। एनोरेक्सिया का जो काजेज होते हैं, इसमें काजेज में बार बार बीमार पड़ना भी इसका एनोरेक्सिया हो सकता है। एनीमिया के पेशेंट, अगर एनीमिया एनेमिक है, वो भी एनोरेक्सिया का शिकार हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को कंटिन्यू बनता है तो वो भी एनोरेक्सिया का शिकार हो सकता है। इसमें जो डायग्नोस किया जाता है, परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, डॉक्टर जो डायग्नोस कराते हैं उसमें वेट देखा जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर को भी देखा जाता है, नेल में इन्फेक्शन होने लगता है उसको भी देखा जाता है, इससे भी पता लगाया जाता है कि एनोरेक्सिया है कि नहीं। और पेट की जांच की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की पूरी जांच की जाती है, प्रोटीन, लीवर, किडनी, थायराइड और यूरिन टेस्ट भी किए जाते हैं, और ब्लड में हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है, सेरम बिलिरुबिन का भी टेस्ट होता है, और यूरिया का और सेरम क्रिएटिनिन का, अल्ट्रासाउंड फो पूरे एब्डोमिनल का कराया जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें साइपोहेप्टाडिन टैबलेट सिरप चलाते हैं, और इसमें टैबलेट एल्बेंडाजोल का भी रोल होता है, इसमें थ्रेप्टिन बिस्किट आता है, उसको भी पेशेंट को दिया जाता है, उससे भी एनोरेक्सिया के पेशेंट ठीक होते हैं, उससे काफ़ी राहत मिलती है। विटामिन डी, विटामिन बी भी दिए जाते हैं, और इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट सिरप भी डॉक्टर चलाते हैं, और इसमें एनाबोलिक स्टेरॉइड इंजेक्शन, जस्ट लाइक DD50 डेकाडोराबोलिन का इंजेक्शन भी चलता है, इसमें न्यूरोबियान टैबलेट भी चलाई जाती है। इसमें सबसे बात यह है कि अगर ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई एनोरेक्सिया का पेशेंट है और अरुचि भोजन में है, जो भोजन करने से
दिखाता है भोजन करेंगे, लेकिन ले जाके वो दूसरे तरफ रख देगा, भोजन नहीं करेगा, केवल अपने वजन को कम करने के प्रयास में पड़ा रहता है कि मेरा वजन कम हो जाए और वेट कम होता रहे। इसी के कारण जो है उसको बहुत सारी समस्या झेलना पड़ सकता है। तो इसमें एल्कोहल और स्मोकिंग अगर कोई करता हो तो तत्काल उसको बंद कर देना चाहिए। और इसको जो डॉक्टर देखते हैं उस डॉक्टर को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर होते हैं वही इस केस को हैंडल करते हैं। और ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप तत्काल अपने शहर में अच्छे डॉक्टर के रूप में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर हो उसको आप दिखाइए, आपकी एनोरेक्सिया नर्वोसा प्रॉब्लम की डिसीज़ खत्म हो जाएगी। और इसका ट्रीटमेंट जरूर कराइए, क्योंकि ट्रीटमेंट ना कराने से आदमी स्थिति खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद, मैं बस यही आपसे कहूँगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप तत्काल इसका ट्रीटमेंट कराइए, आप स्वस्थ रहिए, यही मेरी शुभकामना है। और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, अगला वीडियो फिर बनाएंगे उसको भी देखिएगा। धन्यवाद।